आलू फ्राई सब्जी बनाने के लिए ये चार उबले हुए आलू मैंने लिए हैं मीडियम साइज के, उबाल के छील लिया और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया मैंने यहाँ पे लिया है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं बारीक काट के, यहाँ पे मैंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी जिसको पहले ड्राई रोस्ट करके और हाथ से रगड़ लिया है मैंने। टेस्ट के हिसाब से नमक, यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, और चुटकी भर हींग, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे। और इनके अलावा अगर आप मसाले डालना चाहते हैं तो जीरा पाउडर, धनिया पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैं बहुत ही कम मसाले के साथ में बना रही हूँ। इसके अलावा दो चम्मच तेल लेंगे। सबसे पहले गैस ऑन करके और तेल को थोड़ा गर्म करेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा और साबुत धनिया, हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसके बाद डालेंगे इसमें आलू उबले हुए और कटे हुए। आलू को थोड़ा सा भून लेंगे एक मिनट तक तेज आंच के ऊपर। आलू को एक मिनट तक भूनने के बाद में थोड़ा सा साइड में करेंगे और अब इसमें डालेंगे हींग, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से। और मसाले डालने के बाद में गैस को कम कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले मैंने बाद में इसलिए डाले, सूखी सब्जी में मसाले पहले डालें तो जल जाते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और अच्छे से मसाले कोट हो जाएं, उसके बाद में डालेंगे कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक कम आंच पे पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। चलिए निकाल लेते हैं सब्जी को। लीजिए तैयार हो गई है हमारी आलू फ्राई सब्जी। आप इसको टिफ़िन में दे सकते हैं, पूरी पराठे या रोटी के साथ में एंजॉय करें आलू फ्राई।